अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घर में पकोड़े इंजॉय कर रहे होंगे। बारिश का सीज़न है और बिल आखिर कराची वालों पर रहमतें बरसना शुरू हो गई हैं। बारिश आज हो रही है लेकिन बहुत अच्छी रिमझिम वाली बारिश हो रही है। इसी बारिश के हवाले से एक शेर है जो मेरे माइंड में था। इस बारिश का हुस्न तो देखें, इस बारिश का हुस्न तो देखें, पत्थर में एक फूल खिला है। इस बारिश का हुस्न तो देखें, पत्थर में एक फूल खिला है। और जनाब आली, आज हम आपको घुमाएंगे रूफटॉप गार्डन मेरी बेस्टी, मेरी बहुत ही ख़ास अरफा का। वहाँ हमने सोचा कि बारिश को एंजॉय किया जाए और उन्हीं की ज़बानी उनकी छत का विज़िट कराया जाए जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाई है। आप भी उससे आइडियाज़ लीजिए और अपनी छत को भी इसी तरह रेनोवेट कीजिए। आइए देखते हैं रूफटॉप गार्डन। ये लकड़ी के बॉक्सेस में मैंने पुदीना लगाया हुआ है। ये लकड़ी का बॉक्स खुद से बनाया हुआ है, इस तरह से ये सॉलिड लकड़ी है। और इसके अंदर फिर मैं नीचे कोई चीज़ बिछा लेती हूँ, जैसे ये बोरी काट के बिछाई हुई है, और नीचे ड्रेन का सिस्टम पूरा बना कर फिर मिट्टी भर के उसमें फिर मैं सब्जियाँ लगा देती हूँ। ये तो मेरी वालदा का बहुत पुराना सा स्टैंड है, काफ़ी अरसे से इसमें रखी है। फोटो लगा, ये शरीफा लगा हुआ, ये देख, ये पीछे ये मैरून कलर का आपको स्टैंड नज़र आएगा, इसके अंदर ये शरीफा लगा हुआ है। अभी इसमें शरीफा लगा नहीं है, फूल आ रहे हैं। ये देखें, अगर ये छोटा सा ये इसमें फूल है, और भी मैंने कहीं देखा था। अभी इसमें फूल आएंगे, मैंने खाद डाली है। इसमें फूल पिछले सीज़न में सारे इसके झड़ गए थे। अब देखती हूँ कि इसमें शरीफे में लगता है कि नहीं। ये इंजीर का पौधा लगा हुआ है, ये देखेंगे आपको छोटी सी इंजीर नज़र भी आ रही है। ये इंजीर है, ये भी मैंने इसी तरह ग्रो बैग में लगाया हुआ है। देखिए नीचे ग्रो बैग रखा हुआ है यहाँ पर स्टैंड के ऊपर। ये तोरी की बेल चढ़ा रही हूँ मैं शेड के ऊपर, ग्रो बैग में रखी है। एलोवेरा है, इसी तरह ये जेड प्लांट कहलाता है। ये जेड प्लांट है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बढ़ता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह ये इसमें ये वो है तुख में बालंगा, जिसको आप कहते हैं ना बेजल, ये वो हैं। ये फोटो लाका के पौधे हैं। ये कंघी पाम है, ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है। ये देखिए आप पीछे एक बड़ा सा ग्रो बैग ब्लैक कलर का ये रखा हुआ है, और इसमें कड़ी पत्ता है। बस ये भी एक चौकी सी थी मुझे खाली मिली, तो मैंने इसमें मिट्टी भर के पौधे लगा दिए। इसी तरह स्टैंड में नीचे रखे हुए हैं। ये मिर्चों का पौधा है, और ये सेंटर में फिर जेड प्लांट लटक रहा है। ये देखिए, ये मैंने लकड़ी के बॉक्स बनाए हुए हैं। अच्छा, इनका पेंदा नहीं है, तो उसके बेस के लिए मैंने ये अलग से, ये हमारे लकड़ी के दरवाजे उतरे थे, सॉलिड लकड़ी है, वो मैंने नीचे रख के स्टैंड के ऊपर। देखेंगे लोहे के स्टैंड हैं, लोहे के स्टैंड बनाकर फिर उनके नीचे बेस रख के फिर ये लकड़ी के बॉक्सेस मैंने रखे में। और ये मेरे पास पुराना एक पेनाफ्लेक्स था, ये मैंने इसके अंदर बिछाया, और इसमें मैंने ये पालक के बीज डाले थे, पनीरी निकली है, तो फिर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया। पालक के बीज डाले थे, पनीरी निकली है, तो फिर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर ज़रा खुला खुला, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। और इसी तरह ये इस तरफ भी पौधे हैं, इधर दीवार पे, इधर हर जगह। ये एक सारा चंपा है, कोई मरून चंपा है, कोई पीला चंपा है। और ये आम का पौधा मैंने लगाया, एक दफ़ा जल गया था, दोबारा फूटा है। इसी तरह एक कड़ी पत्ता ये है, ये सारे पौधे इस तरफ रखे हुए हैं, कुछ पौधे इस तरफ हैं, इधर हैं। ये मटके के अंदर पौधा लगा हुआ है, उसके नीचे ये पौधे रखे हुए हैं। जो जिन पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है वो ज़रा धूप में रखे हुए हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा गार्डन है, ये इस तरह
ऐसे इस तरह, और ये